पैर सुनोगे बहुत बुरे गाइस। ये आप देख रहे हो कि दो हैंडसम लड़के फरीदाबाद और बदरपुर से निकल के भाई यहाँ आके हार मान रहे हैं। एक आधा कोई भी ऐसा पैच आया कुछ भी जाता, जैसे गाड़ी लोड मांग रही नहीं चढ़ी, शायद वापस भी मुड़ जाए, सपना रह ही जाएगा सपना ही। पर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? चल रहे हैं यार भाई घूमने। कहाँ? लद्दाख। चलो भाई। कब? परसों निकल लेते हैं। चलो फिर। पर फिर से लद्दाख ही क्यों? इसका आंसर भी है मेरे पास। लड़ाई चली भाई पेंगोंग और कारगिल में। यार ये सोच रहे कि लद्दाख दोबारा आ नहीं जाएगा, इसलिए पेंगोंग हुआ थे। जो एक अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए फिर से लद्दाख। 3 दिन थे हमारे पास, इन 3 दिन में हमें शॉपिंग भी करनी है, घर वालों को भी मनाना है, और फिर आ गया वो दिन यहाँ से निकल के दूर पहाड़ों में जाने का। सुबह से अब टाइम मिला है, अब नहाया हूँ, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, बैग पैक है, बस अब जो हो रहा है वो है निकलने का इंतज़ार। थोड़ी देर में निकल जाएंगे, ऐसे 5 बजे निकलने वाले थे, थोड़े से लेट हो गए, कुछ गाड़ी में काम होना था वो भी हो चुका है। बस जुड़े रहो, अब सारे के सारे चलने वाले हैं, निकलने वाले हैं, रेडी हो जाता हूँ मैं फटाफट, वरना मैं लेट हो जाऊँगा हर बार की तरह। चलो भाई फाइनली निकल गए, थोड़ी लेट हो गए पर अब निकल गए, जो भी है जय माता रानी की। आगे पहाड़ों पे आगे और फॉग इतना हो रहा है, लग रहा है कि इस बार हमें बर्फ मिलने वाली है फिर से। बस थोड़ी दूर और है मनाली, अभी यहाँ से दिखा रहा है कम से कम 180, थोड़ी दूर तो नहीं कह रहा, अभी तो टाइम लगेगा, कम से कम जो एस्टिमेट लगा है शाम के 3 बजे तक तो पहुँच पाएंगे वहाँ पे। और सही बताऊँ ये प्लान ड्रॉप होने वाला था। हाँ होने तो वाला था, इतना आसान नहीं है अपनी 9 to 5 वाली साइकिल से बाहर आ जाना। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे इससे। पर अब लग रहा है नहीं किया तो अच्छा है, अब देखते हैं जो भी होएगा। पर देखो अपनी खुशी के लिए इतना तो जायज़ है, इतना तो करना चाहिए, कोई ना देख ही जाएगी अब जो होएगा। हमारा प्लान था दिल्ली टू मनाली वाया मंडी, पर मंडी पे लैंडस्लाइड की वजह से हमें अपना रास्ता बदलना पड़ा और हम हो जाते हैं सुंदर नगर से राइट, जो कि आगे जाके हम मिलते हैं इस सुंदर से ट्रैफिक से। देख लो भाई कल रात के निकले हैं 12 बजे के, 3 बजे जा रहे हैं और अभी मनाली यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है कम से कम। और हाल देख लो, अभी दिखाता हूँ, फिर बारिश होने लगी और ये देख लो हाल, कुछ कोई मूवमेंट नहीं है। और भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बटर भाई कितना टाइम लग जाएगा, कुछ है कुछ है तो इंतजार ही कर रहे हैं। 4 बज गए, 12 बजे से फंस रहे हैं। नहीं कम से कम चले तो सही, थोड़ा चलना तो स्टार्ट किया, फाइनली कोई लैंडस्लाइडिंग है कुछ भी नहीं है, ग्रे शेड अभी यही करवाइये हैंड टू हैंड, बहुत कीचड़ है।
आज सुबह के फंसे थे, कल नहीं आज सुबह के फंसे थे, 9-10 बजे के आसपास हम जाम में फंसे थे। और उसके बाद अब जाके हम यहाँ पहुँचे, अब भी मनाली से 70 किलोमीटर दूर है। बहुत बुरा हाल था जाम का, बहुत बुरा। चलो भाई अब जा रहे हो, निकल रहे हैं, अब सीधा पार करेंगे तुम्हारा अटल टनल। मनाली नहीं रुक रहे, मनाली का स्टेज चेंज कर दिए। मनाली अटल टनल है, पर कोशिश यही है कि अटल टनल ही पहुँच जाए मनाली में, क्योंकि अगर कल मनाली से निकले ना तो ले तो नहीं पहुँच पाएंगे। खाना वाना खा लिया, पेट वेट भर गया, सुबह सब खाया, बॉडी में थोड़ी जान आई है। चलो भाई रूम भी डन हो गया, सब डन हो गया, अब थक गए, अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। देखो एट द एंड सब कुछ सही होना चाहिए, पर ये सीन था कि जिस रोड पे हम रुके थे ना, जिस पे ट्रैफिक में फंसे थे, उस पे खाने के लिए ऑप्शंस नहीं थे, और इस चक्कर में ऐसा लग रहा कि बॉडी थोड़ी लो हो गई है। जो मनाली का रास्ता 12 घंटे का है, 24 घंटे में हमने कवर किया है। कल देखते हैं, सोच रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे कल सुबह, जितना हो पाएगा उतना कल कवर कर देंगे। सारे भाई उठ चुके हैं, ये रहे, और ये रहे कुछ बालकनी से व्यू। धूप निकल रही है आज तो अच्छी खासी, आज ही लग रहा बारिश का कोई सीन है। और उस पे वेदर कास्ट में भी देखा था, कोई बारिश का तो कोई सीन लग नहीं रहा, और बाकी देखते हैं आज कैसी किस्मत होगी। बस कोशिश है 7 बजे तक उठ के अब जल्दी जल्दी निकल जाएँ फटाफट, ताकि ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि फिर मनाली ट्रैफिक मिल गया ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। और फटाफट अटल टनल क्रॉस होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। धूप पड़ रही है बहुत तेज़। ये आ गया अपने ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करके नहा धो के जल्दी निकलते हैं। ब्रेकफास्ट डन अपना, फटाफट नहा लूँ, मिलता हूँ 2 मिनट में नहा के। तुम्हारा भाई नहा धो के फुल सेट है, बस अब निकलने वाले हैं, चेकआउट का टाइम हो गया, चेकआउट कर रहे हैं, नीचे गाड़ी में सामान लोड वगैरह कर रहे हैं, और बस बैग पैक भी कर लिया। ये हाल, ये कमरे का हाल, पूरा कमरे का ओवरव्यू। बोला कि अभी डारचा पे जाने नहीं दे रहे, एंट्री नहीं दे रहे डारचा पे, 11 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है डारचा पे। ऐसा होता नहीं है, पर क्या पता अभी कर रखो, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, और क्या पता स्नोफॉल होगी उस तरफ। तो अब देखते हैं जाके क्या सीन बनता है, और निकलते हैं यहाँ से। ये अपना खाना डन, और अभी रुके थे जस्ट यहाँ पे कार वॉश कराने के लिए रुके थे, ये साइड में कार वॉश हो रही है, और साइड में ढाबा दिख गया, इतना टेस्टी खाना है, 100 रुपये में अनलिमिटेड, जिसको खाना है ना यहाँ रुक जाना, हर बात पैसों के लिए, खाना बहुत टेस्टी, ऐसा खाना है जैसे घर जैसा हो बिल्कुल, तो जो भी आए ज़रूर रुकना। ये देखो मेरे पीछे अटल टनल के बाहर का व्यू, अगर ठंड में आओगे ना तो पूरी बर्फ़ मिलेगी, ये जितना भी एरिया दिख रहा है ना सारा बर्फ, बर्फ ही बर्फ दिखेगी। देख रहे हो सीज़न चल रहा है, कितनी भीड़ है। हम दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, और दिल्ली वाले यहाँ पहले आ चुके हैं, आधी दिल्ली पहले यहाँ पे आ चुकी है। चलो फोटो शूट डन, सब कुछ डन, और इन्हें चश्मे लिए देख के बताओ कैसे लग रहे हैं, पुराने वाले ये थे। ये देखो गाड़ी का एक शॉट लेना है, पर स्ट्रगल, वहाँ गाड़ी खड़ी हो रही, वहाँ से भाग के आए हैं। अरे हाँ गए, भाई जिसका मुझे था इंतज़ार वो गाड़ी आ गई। अभी हिमाचल पुलिस की तारीफ कर रहे थे, और हिमाचल पुलिस ने ही रोक लिया, मतलब 10-15 मिनट का फ़र्क होएगा, पहले क्या ही रहते, और तभी पुलिस ने रोक लिया। और ये जो मॉडिफिकेशन दिख रही है अलॉय, इन पर चलान कर दिया, कह रहे अलाउड नहीं है ये। यहाँ का मौसम देखो,
ये देखो व्यू देखो, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैगी ना, मैं बोल रहा था कि डारचा क्रॉस नहीं होता 11 बजे के बाद, वो एंट्री बंद कर देते हैं, और सेम वही हो गया। अब डारचा पहुँचे और एंट्री बनती वहाँ से, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस कहीं जिस पर हमें स्टे लेंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि वहाँ से वापस घूम के आए थे क्योंकि तब स्नोफॉल हो रही थी, और जिस पर ले रहे हैं अब स्टे कैंप फाइनल कर दिया, आगे जा नहीं सकते, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। और चाय रेडी, अब चाय भाई पी ले। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो सारे? सुबह सुबह उठाऊँ 5 बजे का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने सोचा सनराइज़ रिकॉर्ड करूँगा, और सनराइज़ निकला नहीं, पूरे में बादल बादल हो गए, और टाइम लैप्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। सुबह सुबह का मौसम दिखा दूँ कुछ ऐसा रिकॉर्ड। और अभी तक देख रहे हो यहाँ पे जितना भी है ना, अभी तक यहाँ पे ग्रीनरी है, इन पहाड़ों पे है, इन पे नहीं है, कुछ पे है, तो अब आगे जितनी आगे जाते रहेंगे ना, सारी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी। अगर सुबह सुबह उठोगे ना, तुम्हें जो सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी ना, वो है नेचर को इन्जॉय करना। बोलो शायद सुबह 7 बजे से 9 बजे से रास्ता खुल जाएगा, और 11 बजे तक रास्ता खुला रहेगा, तो कोई भी आओ जिस पाओ ना, मोस्ट प्रोबेबली सुबह सुबह कर दो क्रॉस, क्योंकि 11 बजे से अगर पहले पहले क्रॉस कर दोगे तो निकल जाओगे, वरना फिर खामा खा यहाँ पे जिस पाओ में स्टे लेना पड़ जाएगा। चलो भाई, कर रहे हैं हम इस जगह को बाय बाय, चेकआउट कर दिया। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगले कम से कम पूरा एक दिन नेटवर्क नहीं रहेगा यहाँ से लेके ले तक, अब सिर्फ सीधा ले जाके नेटवर्क आएंगे। सो भी अब हम नॉट रीचेबल रहने वाले हैं। चल दिए फिर से अपनी मंजिल की तरफ, इन पहाड़ों की खूबसूरती का मज़ा उठाते हुए, इन सुंदर लैंडस्केप्स को एंजॉय करते हुए। ऐसा लग रहा था कि बस ये पहाड़, ये झरने, ये नदियाँ कभी ख़त्म ही ना हो। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह होटल में ब्रेकफास्ट कर रही नहीं था, अब यहाँ रुके हैं। भाई सबसे बेकार पैच, 5 से 30 किलोमीटर पहले का पूरा पैच बेकार है, बाकी आगे ठीक है। ये पैच हालत बुरी कर देगा, और कर दिया ऑलमोस्ट। देखना कैसे फैमिलीज बैठी, देखना सर पकड़ के। ये पॉइंट ऐसा था कि पता ही नहीं चला कब ये एडवेंचर, ये ट्रैक, ये ऑफ रोडिंग कब सजा बनने लगी। सबकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, और ऐसा लग रहा था कि बस अब हो गया जितना एडवेंचर करना था, अब बस घर पहुंचा दो कैसे भी। मेन यही था कि जिन जिनको प्रॉब्लम हुई, सारे जिनका फर्स्ट टाइम था उनको प्रॉब्लम हुई, और एक तो हाई एल्टीट्यूड जगह थी, इस वजह से उनको प्रॉब्लम। वैसे ऑक्सीजन की किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लाने पड़ते हैं, ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम, बस वही है कि थोड़ा सर में दर्द, यही सब था, यही सारे सिम्टम्स थे, और थोड़ा किसी को माइल्ड थे, किसी को थोड़े ज़्यादा थे। आज के व्लॉग को करते हुए यहीं ख़त्म, मैं भी बहुत थक गया, अब जाननी मेरे में व्लॉग करने की भी। गुड नाइट सारे। चलो भाई नहा दो, आज फुल सेट है तुम्हारा भाई, और आज तुम्हें पूरा ले घुमाएंगे, आज सारे लोकल जितनी भी जगह है लेके सारी वो घूमेंगे, और नींद वगैरह बहुत अच्छी हो गई थी, सब कुछ बढ़िया। ये अपने रेस्टोरेंट जहाँ भी नाश्ता ब्रेकफास्ट करा, और अभी यहाँ पर सिर्फ चाय वगैरह दिया, और जो बाकी आगे डोसा वगैरह खाएंगे वो खाएंगे वहीं पर, जो हाईएस्ट डोसा पॉइंट है जिसे आदमी रन करती है उसी पर खाएंगे। खाना पीना अपना गाइस ऑर्डर है, और ऑल सेट अब यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देख रहे हो ये सारा एरिया, जितने भी पीछे तक देखोगे ना, कई किलोमीटर तक, ये सारा आर्मी बेस है। यहाँ के लोकल पीपल है उनके लिए तो चलो नॉर्मल है,
पर आर्मी में जितने भी कोई इंडिया के कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, उनका सर्वाइव करना थोड़ा हार्ड होता है इतने एक्सट्रीम वेदर में। पर सल्यूट है पूरी आर्मी को इस चीज़ के लिए। हे गाइस, हम आ गए हैं शांति स्तूपा। ये इसका सागर का चैनल हैक हो गया है। शांति स्तूपा आ गए हम और सागर का चैनल हैक कर लिया हमने। अब जितने पैसे हैं आप देख रहे हो कि दो हैंडसम लड़के फरीदाबाद और बदरपुर से निकल के साउथ दिल्ली से एकदम पहाड़ की ऊंचाइयों पे भाई ऐसा क्या है जेसीबी की खुदाई में कितने सीरियस होकर देख रहे हैं भाई। 7:30 हो गए, पब्लिक वेट कर रही है एंट्री करने का। देखो स्टार्ट भी हो गया शायद थोड़ा थोड़ा। देख के और कम से कम पूरी 1 घंटे कुछ की पूरी मूवी होगी, मतलब 1 घंटे प्लस की होगी। और बस अब बैठ के निकल रहे हैं और इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा होटल पहुंच के, क्योंकि अभी यहाँ से हम जल्दी में थोड़ा निकल रहे हैं। ठीक है, खाना खा लेते हैं फटाफट जल्दी, वरना सारी दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि सारे रेस्टोरेंट बंद होने लगे। लास्ट टाइम शायद इनका 10 बजे का है। चलो भाई खाना पीना ऑल डन और अब चल रहे अपने होटल पर, वहाँ जाके मिलते हैं। और ये होटल पास में हमारे ये मार्केट है, देख लो ये मार्केट है और ये हमारा होटल है। सो गाइस वी आर बैक टू आवर होटल रूम और आज पूरी ले सिटी घूमी, सारी जगहें घूमी। बस एक दो जगह थी जो नहीं घूमी, वो हमने पहले ही कवर कर रखी है, मैं पहले भी घूमा उनमें। और जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था हॉल ऑफ फेम। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा, ना तो वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकते इसे, ना वीडियोस एक्सप्लेन कर सकती, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, खुद आओ एक बार एक्सपीरियंस करो। सही में लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। अब एक चीज़ सोचो, माइनस टेम्परेचर्स में और मतलब जो फौजी हमारे इतने ऊपर पहाड़ पर चढ़ के गए हैं, वो भी ऐसे ऐसे कंडीशन में ऊपर, मतलब ऊपर से फायरिंग हो रही है और उसके बाद भी वो ऊपर गए, उन्हें मारा, अपनी जगह वापस कैप्चर करी और अपना तिरंगा फहराया, मतलब एक सच में सल्यूट है उनके लिए। तो चलो भाई होटल से चेकआउट कर दिया है और परमिशन ले ली है तो पेंगोंग लेक के लिए, और पर बंदा 450 रुपये की परमिशन पड़ी है।
और कोई भी आओ पहले यहाँ से परमिशन लेके जाओ, क्योंकि आगे कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो बेटर है यहीं से परमिशन लेके जाओ, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं मिलेंगे, फिर कहाँ नेटवर्क ढूंढोगे, ना परमिशन मिल पाएगी। और खारदुंगला और पेंगोंग लेक की परमिशन एक साथ ले लो, वही बेस्ट रहेगा। कैसी है जी? नहीं ठीक नहीं है, इसके सामने बच्चे के लिए ठीक है, वो जो चारवीं पांचवीं में पढ़ता ना उसके, अच्छा उसके लिए ठीक है। सुन लो भाई जिमनी की तारीफ, ये सबसे बड़ी दिक्कत कार की, जिमनी यहाँ जीत गई। और अपनी गाड़ी 125 चली है, हाँ 9 लीटर पेट्रोल आया, अपनी गाड़ी चली थी 125। तो यहाँ से पहली फुल करा के चलो, ओके। सारा हाई अल्टीट्यूड एरिया चालू हो गया, गाड़ी भी नहीं चढ़ रही, अब उतने जब कहीं जाके चढ़िए। रोड बहुत बेकार है, थोड़ा सा पैच ठीक आया था, पर जितनी आगे आते रहोगे पैच खराब होता जाएगा। थोड़ी चढ़ाई है पर हाई पास पे आ गए ना, अब गाड़ी लोड मार रही है। ये तो 4x2 है, 4x4 होती ना तो आराम से चढ़ जाती, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और इसका इंजन भी छोटा है 4x2 का। चढ़ी जी उतरे हैं सारे, धक्का मारा कि जब कहीं जाके गाड़ी चढ़ी है। भाई यहाँ आके हार मान रहे हैं, मतलब कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड मांग रही है, और कह रहे हैं अगर एक आधा कोई भी ऐसा पैच आया कुछ भी ज़्यादा जैसे गाड़ी लोड मांगे नहीं चढ़ी शायद वापस से मुड़ जाए। पेंगोंग का सपना फिर से, पेंगोंग का सपना रह ही जाएगा सपना ही, किस्मत में होएगा पेंगोंग तो होएगा, नहीं होएगा तो फिर दोबारा ही। सिर्फ दिमाग का खेल था, जिसने हार मान ली वो ख़त्म, और जिसने सोच लिया करना है तो करना है। ठीक पहचाया, पूरा रास्ता टूटा हुआ था, काम चला है, कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरे रास्ते पे, अब थोड़ा ठीक सा हुआ है और पैच अब ठीक आया, रोड ठीक है पूरा आगे तक। और एक रेस्टोरेंट है, अब इस पे रुक के यहाँ पे खाएंगे खाना वाना, कुछ खाना तो खा रहा, थोड़ा बहुत चाय वाय वगैरह लेंगे। अगर पूरे रास्ते कहीं जो ज़रूरत पड़ेगी ना जैकेट की, वही यहाँ है पेंगोंग आओगे जब, और ले में कोई ज़रूरत नहीं जैकेट की, नॉर्मल टी शर्ट में सही टेम्परेचर है, शाम को भी और दिन में भी, पर यहाँ ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ ठंड है। गाइस बहुत बुरी ठंड लग रही है, जैकेट वैकेट सब ऊपर रखी है अभी गाड़ी में, अभी नहीं निकाल सकते। 830 और शॉपिंग चलती है बहुत बढ़िया। बाय, चलो अपनी शॉपिंग पूरी होगी पूरी, ये रे अब चलते हैं गाड़ी में, 2 दिन का 1 दिन का पूरा स्टॉक अपना हो चुका है, देखते हैं। चल भी रे, बैठ पीछे खिंच के लो भी मित्रों। ओ पैर सुनोगे, पैर सुनोगे, बहुत बुरे गाइस। तो भाई यहाँ हो गए, अब हम पेंगोंग से थोड़ा ही दूर है 30 किलोमीटर के आसपास, और ये तांग से एक ब्रिज पड़ेगा, और ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके अलावा कोई पेट्रोल पंप नहीं आया। सारी चीज़ों को ओवरकम करने के बाद हम आ गए थे अपने मंजिल के बहुत पास, पेंगोंग लेक के पास। चेक इन कर लिया है, होटल ढूंढ लिया, और थोड़ा लेट हो गया इसकी वजह से, थोड़ा अंधेरा हो गया, और मतलब चेक इन करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, होटल्स मिल नहीं रहे थे और ज़्यादा जगह देख नहीं पाते, इसलिए अब जो होटल मिला यहाँ टॉप पे है, अभी कोई नया ही होटल अभी बनाए और उसमें चेक इन कर लिया। भाई ये उतार रहे अपना सामान, दूर दूर तक कुछ नहीं है, डर लग रहा है बाहर आने में भी। 4 रूम दिए इन्होंने हमें और हम सोएंगे 3 में, कोई नहीं सो रहा अलग अलग, कुछ नहीं है दूर दूर तक, देखो दिखाता हूँ। ये आगे जो कैंप है वो कैंप है, बाकी यहाँ देखो कुछ नहीं है, उसके ना पीछे कुछ है। ये खड़ी बात हूँ कि पेंगोंग में ठंड है अभी तक कहीं नहीं मिली, यहाँ ठंड है अच्छी खासी ठंड है, तो अपना जैकेट वगैरह कुछ भी लेके आना, सही से सारा सिस्टम लेके आना। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सबको,
और हम भी चले सोने। ये अपना रूम, छोटा सा रूम है, ठीक है, एक रात के स्टे के लिए बुरा नहीं है। पर सही बताऊँ आज कमर की बैंड बज गई बहुत बुरी, बुरा हाल है कमर का। पर सुकून इतना है कि जब पेंगोंग लेक देखी ना तो थोड़ा जी में जी आया कि लेक देखने सुबह जाएंगे ढंग से, क्योंकि अभी शाम हो गई थी, 7-8 के आसपास हो गया था टाइम और अंधेरा हो गया था, क्योंकि चेक इन भी करना था, चेक इन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आई थी, खैर होटल मिला नहीं, अब कहीं जाके ये होटल मिला है, यहाँ चेक इन करा है। और अब इस व्लॉग को ख़त्म नहीं करा, कंटिन्यू करूँगा सुबह और आपको दिखाऊँगा पेंगोंग लेक का व्यू। ये हाल था, दूर दूर तक कुछ नहीं, गाड़ी में बाहर सामान रखा हुआ था, पर सामान लेने के लिए भी ना अकेले नहीं जाया जाएगा, भाई तू चल मेरे साथ। और बस इतना था कि ये रात जल्दी कटे, सुबह हम अपनी आंखों से पेंगोंग लेक को एक्सपीरियंस कर पाए। तो भाई ड्राई क्लीन कर लिए, नहाने का आज कोई प्लान नहीं है, अब जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, नीचे जाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट करने। तो सब ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा यहाँ से निकलेंगे, अब लेक के लिए जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और एक चीज़, जिस हिसाब से रात ठंड थी ना, गर्मी भी उसी हिसाब से धूप हो रही है, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा सा लग रहा है अब थोड़ा, क्योंकि एक मेरी बैग में ना स्ट्रेन आ रहा है और अब थोड़ा ठीक लग रहा है, धूप में थोड़ी देर बैठ के थोड़ा विटामिन डी लेने के बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। फीलिंग आ रही है यहाँ की, और कब से सोचा था कि दोबारा लद्दाख जाना है, पेंगोंग लेक जरूर जाना है, और इस बार भी ना जाते जाते भी फाइनली हम आ ही गए। और सच्ची इसके ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और मतलब इतना सुंदर व्यू, इतना मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ के, सच में बेस्ट फीलिंग है, बेस्ट फीलिंग। और सच में जितना भी अपना स्ट्रगल था, जितना भी हेडेक, सर दर्द, रास्ते में आना, मतलब कि ऐसे ऐसे एक्सट्रीम रोड्स, और उन सब के बाद भी यहाँ पहुँच के ना, मतलब लग रहा है कि हाँ वर्थ इट है वो चीज़। और इसलिए कि बेस्ट चीज़ बताऊँ, ये ना अपना कलर बदलती रहती है दिन में, पूरे दिन में कम से कम 3-4 बार कम से कम अपना कलर बदलती है, रेड ब्लू, मतलब अलग अलग चेंज करके कलर बदलती है। और अब खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, होगे तब पता चलेगा, ऐसे वीडियो में मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, मतलब लाइक क्या कलर हो रखा है क्या नहीं है, अभी अभी तो क्या वैसे ब्लू कलर है, पर आपको इतना पता नहीं चलेगा, पर अगर सामने से देखोगे ना आपको पता चलेगा कि हाँ सच में कलर बदलती है अपने। और यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जाओगे ना आपको मिलेगा चाइना, और इस लेक का ना 1/3 पार्ट हमारे पास है और बाकी सारा हिस्सा चाइना के पास है। और इतनी सुंदर लेक है, इसके ऊपर तो विवाद होना ही होना है, क्योंकि चाइना चाहता है उनकी हो ये लेक, हम चाहते हैं हमारी हो, पर सच में बहुत सुंदर लेक है, बहुत सुंदर, मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसी लेक, कभी नहीं करी। एक सपना था पेंगोंग लेक आने का और आज वो पूरा हो गया, दिल से खुशी मिल रही है, मतलब दिल से खुश हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ तक आ पाए। अब साथ के सारे खिंचा रहे हैं वहाँ फ़ोटो, ऑल इज़ वेल वाली, और मैं रह रहा हूँ, बस अब वहीं जा रहा हूँ, फ़ोटो खिंचाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे।